तो हे गाइस, इट्स मी अंशन, आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आईकू 90 डिवाइस का फुल कैमरा जूम टेस्ट। अब आप लोगों को पता है, इस डिवाइस के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक जूम सेंसर देखने को मिल जाता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसके एक्सट्रीमली नहीं जाएंगे। हम लोग इसको 1 to 10x तक जूम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जूम हमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलता है, बट जो मिनिमम जूम है हम लोग बस वहीं तक करने वाले हैं, ताकि हमें क्वालिटी देखने को मिल जाए, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और 20x तक का जो जूम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला सैंपल देखने को मिलता है वो ये है 1x जूम पे। आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का शॉट देखने को मिलता है। 1x जूम पे भी काफ़ी ठीक ठाक फोटोज ले लेता है, और लिटरली इसकी जो फोटोज़ हैं, मुझको इसमें डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो यहाँ पर मैं अच्छे से सारे के सारे लेटर्स को पढ़ सकता हूँ, कोई यहाँ पर डिटेलिंग की मिस आउट नहीं है, और कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इसके निकल के आए हैं। तो यस, फ़ोन के आपके जो फोटोज़ निकाल के देता है 1x जूम से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकाल के देता है। नेक्स्ट हम लोग स्विच करते हैं 2x जूम पे। तो 2x जूम पे मैं आपको कहूँ, 1x जूम से ज़्यादा अच्छी फोटोज़ आती हैं। ये मैंने बहुत सारे डिवाइसेस के साथ देखा, और ये जो मतलब चीज़ होती है, ये ज़्यादातर ना मुझको देखने को मिलता है वन प्लस के और अपने आईफोन्स के साथ, कि 1x से ज़्यादा अच्छी फोटोज़ ये लोग 2x पे लेते हैं। पता नहीं क्या यहाँ पे लॉजिक है, बट ऐसा होता है तो मुझको लगा, और यहाँ पे मुझको सेम वैसा ही लग रहा है। आप लोग 1x की फोटो को देख सकते हो, 2x की फोटो को देख सकते हो, ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा डिटेल के साथ मुझको ये वाली फोटो लग रही है। यहाँ पे भी आप लोगों को जो टेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब रीडेबल है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये आपको 4x जूम का शॉट देखने को मिलता है। 4x जूम पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ निकाल के दे देता है ये डिवाइस। आपको जो 4x जूम पे मतलब शॉट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो डिटेल को ज़्यादा ड्रॉप आउट नहीं करा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6x जूम पे। तो 6x जूम पे आपको कुछ इस टाइप की फोटोज़ निकाल के देता है। 6x जूम पे मुझको अभी तक ना मतलब बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो इस रेंज के अंदर आते हैं, जिनको मैंने टेस्ट कर रखा है, उनके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग जूम ज़्यादा बढ़ाते हैं, 5x के ऊपर जाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और बाकी आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी है अभी भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है। नेक्स्ट आपको 8x ये वाली जो फोटो है आपकी 8x जूम की है। 8x जूम पे आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पे फोटो देखने को मिलती है। 8x जूम पे भी आपकी जो फोटो की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट, काफ़ी ज़्यादा मिनिमल आपको देखने को मिल रही है। ऑल ओवर यहाँ पे जो फोटो की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे अभी भी जो आपके टेक्स्ट हैं सारे ईजी टू रीड हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, डिटेलिंग्स यहाँ पर भी है। नेक्स्ट हम लोग फाइनल कटआउट पर जाते हैं 10x जूम पे। तो 10x जूम की फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। अब 10x जूम की फोटो ये है, और मैं आपको यहाँ पे 1x जूम की फोटो दिखाता हूँ। तो 1x जूम की फोटो कुछ इस टाइप की आपको देखने में मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, एंड कितना ज़्यादा अच्छे से इसने जूम कर रखा है ना। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, करीब करीब इसने इतना जूम कर दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने में मिलती है। और बाय द वे, आपकी जो फोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। इसी के बाद हम लोग एक और यहाँ पे जूम शॉट्स को नज़र मार लेते हैं। तो ये आपका सबसे पहले 1x जूम का शॉट है। यहाँ पे आप लोग डिटेलिंग को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वेल डिटेल्ड फोटो है, एंड यहाँ पे जो डिटेलिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझको। इस डिवाइस की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मिनिमल एंड नेचुरल कलर्स को निकाल के देता है। प्रोडक्शन कलर प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट एंड बाकी सब चीज़ों को वेल मैनेज करता है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये 1x जूम का शॉट है, कुछ इस टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग स्विच करते हैं 2x जूम पे। तो 2x जूम पे अगेन फोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर सेचुरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं, एंड ऑल ओवर जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिटेलिंग के साथ है फोटो, ऐसा नहीं है कि डिटेल विटेल कुछ यहाँ पे मिस करी गई हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, वेल सेचुरेटेड फोटो। नेक्स्ट हम लोग मारते हैं स्विच 4x पे। तो 4x की फोटो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4x जूम पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कि यहाँ पे इसने कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करी है। यह एल्गोरिदम इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर देता है, जो फोटोज़ के अंदर आपको मतलब डिसबैलेंसिंग एंड बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पे इसको ठीक कर दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको कुछ टाइप की देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको 6x जूम की फोटो देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग सकता है कि डिटेलिंग में अब यहाँ पे इसने झोलझाल कर दिया, बट कोई बात नहीं, ये आपको 8x की फोटो देखने को मिलती है। 8x जूम पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है।
नेक्स्ट आपको 10x जूम की फोटो। तो कुछ इस टाइप का 10x जूम आपका वर्क करता है। यहाँ पे ऑल ओवर जो फोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। एंड मैं तो आपको कहूँगा अगर आप लोग इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आप लोग इससे काफ़ी अच्छे शॉट्स एंड काफ़ी ज़्यादा जूम शॉट्स कैप्चर कर पाओगे विद डिटेलिंग। तो यहाँ पे आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। एंड बाकी जो आपकी फोटोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल्ड यहाँ पे निकल के आती हैं। और आई होप आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।